हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशनी। दिस विल बी द न्यू लॉन्चिंग सीरीज ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यूजेस ऑफ सेंटेंस, एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस विल बी क्लियर। जितने भी टाइप के हैं आपके, जितने भी इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एसर्टेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, सारे टाइप के सेंटेंसेस इस कंप्लीट सीरीज विल बी देयर फॉर लर्निंग इंग्लिश सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के सिंथेसिस, फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के क्यों हम सीखने वाले हैं सेंटेंस, क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज देखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज क्या था आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज जो वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस में होते हैं। अब कंप्लीट सेंटेंस हम सीखेंगे। सेंटेंस क्या होता है, उसका टाइप बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। वेब कैम के थ्रू मैंने आपको पूरा समझा रखा है मैंने क्या होता है आपका सेंटेंस और टाइप्स कितने होते हैं उसके। फिर एक्सरसाइज भी है लास्ट में। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि आपको इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड हम अब एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने कंप्लीट नाउन से लेकर के कंजंक्शन, 8 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज कंप्लीट किया था। वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन से वो देखो। फिर उसके बाद सेंटेंसेस आते हैं, सेंटेंसेस सीखेंगे हम। ये पूरी सीरीज किस लिए है, ये पूरी सीरीज हेलो एवरीवन, लेट्स सी सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। दिस विल बी द कंप्लीट सीरीज ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। सो वी विल सी एवरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज द सेंटेंसेस वीडियो ऑफ सीरीज, कंप्लीट सीरीज ऑन सेंटेंसेस। आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच यू नीड टू लर्न सेंटेंसेस। सो कंप्लीट सीरीज ऑन सेंटेंसेस फॉर लर्निंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। वी विल सी एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो वॉट वी विल स्टडी, आर यू एक्साइटेड विद द थिंग विच वी विल स्टडी? Yes. So we will study sentence formation, types of sentences. After parts of a speech series, you must have to understand the sentences. Because parts of a speech series, we learn the words which we contain in a sentence. After learning the words which are in sentence, we should learn a complete whole sentence. So what is sentence? Types of sentence, kinds of sentence. For spoken, it is very useful for spoken and written English. Every type of sentences with example will be there in video. Subject and predicate, what is subject and predicate? Analysis of every type of sentence in a every video. So analysis of imperative, declarative, every kind of sentences. Synthesis of sentence, how sentence is formed with the use of words. Transformation of sentences from one sentence to another sentence, how it will be transferred. We will see all these topics which you see here. Sentence formation, types of sentences, every type of sentence analysis, synthesis, formation, subject and predicate, synthesis of sentences, transformation of sentences, everything will be upon sentences. Complete series on sentences will be there for you all. Sentences के सारे series मिलेंगे आपको। क्या क्या होता है sentence के types? Are you excited for the sentence series? हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के बाद हम सेंटेंसेस की सीरीज लाने वाले हैं, सेंटेंसेस इन इंग्लिश सीखने वाले हैं। सारा चीज हम देखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच यू मस्ट हैव टू नो द नॉलेज और द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसके टाइप्स, उसके मीनिंग, उसका सिंथेसिस, फॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, जितने भी टाइप के सेंटेंस हैं आपके, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, जितने भी टाइप के हैं उन सब के एनालिसिस अलग से हम करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस सीरीज में, और ये कंप्लीट सिंथेसिस वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होगा। तो कंप्लीट आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सेंटेंस होता क्या है? वॉट इज अ सेंटेंस? यू मस्ट बी वंडरिंग वॉट इज अ सेंटेंस। So let me clear you. Do you know alphabets? हाँ, अल्फाबेट क्या होता है आप बोलोगे, ए बी सी डी? नहीं, अल्फाबेट होता है वर्णमाला, ए टू जेड। नहीं, ए टू जेड जो अंदर उसके आते हैं वो होते हैं लेटर्स, लेटर होते हैं ए टू जेड। बट अल्फाबेट वर्णमाला एक होती है जिसमें ए टू जेड पूरे 26 लेटर्स आते हैं। अल्फाबेट एक ही है, लेटर 26 है। लेटर से क्या बनता है हमारा? लेटर से बनते हैं हमारे वर्ड्स। वर्ड्स, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग। तो जिसमें कुछ मतलब निकलता है और वो ग्रुप ऑफ लेटर होता है, वो वर्ड होता है। क्लियर है? तो जितने भी आपके लेटर्स है ए टू जेड, उसका ग्रुप बनता है और उसका कुछ मतलब निकलता है तो वो वर्ड कहलाता है।
मान लो मैं कहता हूँ वाई ओ बी, वो क्या है? कुछ नहीं है, वो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट मैं कहता हूँ बी ओ वाई तो उसका कुछ मतलब निकला, तो वो हो गया आपका वर्ड, ठीक है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव मीनिंग, तो वो आपका क्या है? दैट इज योर वर्ड। वर्ड से हमारा बनता है सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। तो जो सेंस बनाता है, सेंटेंस नहीं होगा, सेंस होगा यहाँ पर। तो अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो, टिपिकली कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कन्वेइंग, कुछ कन्वे भी करता है। क्या कन्वे करता है? स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, कमांड एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं सेंटेंस में, वो आप जा करके क्लॉजेस की वीडियो हमारी देखें, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लॉजेस क्या होते हैं, आपने उसमें देखा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और वो एक तो डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट। तो सेंटेंस में ये आते ही है। तो सेंटेंस हम जान रहे हैं, तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कुछ मतलब निकलता है। सेंटेंस आपको पता लग गया क्या होता है। अब आप चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझते हैं, जितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। तो आपको मैं बताऊं पहले कि सेंटेंस क्या होता था। सेंटेंस हमारा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, तो जिसमें सेंस बन जाए, तो वो क्या होगा? हमारा सेंटेंस होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस बना दे। जैसे सेंटेंस का एक एग्जांपल देखो, मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर। मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है बाय नेचर। ये एक सेंटेंस का टाइप हुआ हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है? कंप्लीट समझ आ रहा है आपको? सेंटेंस क्या है? टाइप ऑफ, एक टाइप ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका कुछ मतलब निकल रहा है। जैसे विशाखापट्टनम इज अ स्टील सिटी, तो यहाँ पे कुछ मतलब निकल रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, वो सेंटेंस होगा आपका, ठीक है? तो अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखो, काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें क्या क्या आता है? डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये पांचों, फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस है हमारे, ऑप्टेटिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको डिक्लेरेटिव भी बता दूं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है ना, हम ये देखेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, फैक्ट बताता है, और लास्ट में उसके फुल स्टॉप लगा रहता है। जैसे ही हैज एवरी एट्रीब्यूट ऑफ अ डॉग एक्सेप्ट लॉयल्टी, मतलब उसमें लॉयल्टी को छोड़ के सारे डॉग के एट्रीब्यूट है, क्वालिटी से। ये आपके पॉलिटिशियन थॉमस पी गौर ने कहा था, कि मतलब समझ आ रहा है आपको यहाँ पे, कि डिक्लेरेटिव मतलब कोई स्टेटमेंट फैक्ट बता रहा है, डिक्लेयर समथिंग, ठीक है? एजर्टिव, एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कुछ कुछ फैक्ट डिक्लेयर करते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे, ठीक है? तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ हमारा सन के अराउंड मूव करता है, ये एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस हमारा ये होगा। तो तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक डिक्लेयर, एक फैक्ट बता रहे हैं, तो डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ। कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? डिक्लेरेटिव। तो आपको डिक्लेरेटिव पता लगा। इंट्रोगेटिव सिंपल है, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, इंट्रोगेट करते हो, तो इंट्रोगेटिव। जैसे व्हाट डू यू वांट, डू यू नो इंग्लिश, ये सारे टाइप के सेंटेंसेस कौन से होंगे? इंट्रोगेटिव, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ये इंट्रोगेटिव। अब आपको बताता हूँ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज इम्पेरेटिव। अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन दे रहे होंगे, वो कौन सा टाइप का सेंटेंस होगा भाई? वो होगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्पेरेटिव। इश्यू अ कमांड और इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन देते हैं और कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर करते हैं एडवाइस, तो वो सारे टाइप के सेंटेंस हमारे कहलाते हैं इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर है इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस? अब हम इम्पेरेटिव टाइप्स के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जस्ट एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। प्लीज पोस्ट द लेटर, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। कैन यू लेंड मी 50 रुपीज, ये सारे रिक्वेस्ट करते हुए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने देखे। अब मैं आपको टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में बताऊं कि जब हम स्टेटमेंट बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जब स्टेटमेंट और ये पीरियड जो होते हैं, ये फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, ठीक है? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ ये खत्म होता है। थर्ड टाइप आप अभी देखोगे एक्सक्लेमेशन,
है ना, जिसमें हम सडन फीलिंग अपनी बताते हैं। आपको मैंने इंटरजेक्शन के वीडियो में बताया, आप उसका भी देख सकते हैं वीडियो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि हमारी जब सडन फीलिंग होती है हम एक्सक्लेम करते हैं, ठीक है, हम एक्सक्लेमेशन देते हैं। तो एक्सक्लेमेशन देते हैं हम, तो एक्सक्लेमे करने सडन फीलिंग बताते हैं। तो सडन फीलिंग वाले कौन से टाइप के सेंटेंस होंगे? एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। कमांड जब हम देते हैं, व्हेन वी कमांड, तो इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस होंगे। जब वी गिव कमांड्स, मेक रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट और कमांड जब देते हैं तो कमांड्स इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस होगा, और ये पीरियड्स वही फुल स्टॉप के साथ आपका खत्म होता है। समझ आ रहा है? सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, टाइप्स ऑफ एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो जब हम कमांड दे रहे होते हैं, तो जब जैसे कि डोंट स्मोक इन द रूम, यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ, ठीक है, तो स्टॉप देयर, कम हेयर, तो कमांड देने वाले कौन से सेंटेंस हुए? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस? इम्पेरेटिव। क्लियर है? वॉट टाइप ऑफ सेंटेंसेस? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सजेशन दे रहे हैं हम, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस में हम बोल रहे हैं। जैसे यू हैड बेटर कंसल्ट अ फिजिशियन, जब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सजेशन दे रहे हैं, तो ये इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस हुए जब हम सजेशन दे रहे हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो अ सडन फीलिंग एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, जो सडन फीलिंग दे रहा है वो कौन सा होता है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन से टाइप में आएगा वो? टाइप्स जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा हमारा। तो एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग, जैसे व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ शाइन, हाउ ब्यूटीफुल माधवी इज, हाउ हैप्पीली दे वर लिविंग, तो ये सारे टाइप्स के सेंटेंस है। आपको अभी मैंने बताया सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंग रखता है, मेक सेंस। टाइप्स में आपने देखा सबसे पहले टाइप कौन सा था हमारा? सबसे पहले डिक्लेरेटिव, एसर्टेटिव, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस था। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, थर्ड आपने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ आपने देखा क्या देखा आपने, कौन सा टाइप का देखा आपने? फोर्थ इंपेरेटिव, है ना, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, ऑप्टेटिव। अब आप देखोगे तो ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, तो जिसमें हम अपने विश, प्रोबेबिलिटी, सपोजिशन को बता दें, वो ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? रिलेटिंग टू डिनोटिंग अ मूड ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेजेस एक्सप्रेसिंग अ विश। तो एक विश जब एक्सप्रेस करते हैं, मीनिंग इंग्लिश में ये बिल्कुल इक्वल रखता है। तो जब हम विश बताते हैं, आई विश यू वर माई वाइफ, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, माई गॉड, मे गॉड हेल्प, यहाँ पे विश कर रहे हैं हम किसी को, तो और हमारी विश हो रही है, या फिर हम किसी को विश कर रहे हैं, तो दैट इज ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो वो कौन से टाइप के सेंटेंस होंगे? ऑप्टेटिव, जब हम किसी को विश कर रहे हैं, तो वो आपके फिफ्थ टाइप के सेंटेंस में आएगा। ये पांचों टाइप के आपने सेंटेंसेस को देखा, तो सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया। उसके अब आपको एक्सरसाइज करने हैं, सेंटेंसेस होता क्या है, उसके टाइप्स इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो आपका है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, किस टाइप के बटे हुए हैं स्ट्रक्चरल, कैसे सेंटेंस बनता है, उनके टाइप्स हम देखने वाले हैं। ये आपने देखा सेंटेंस होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने देखे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे। अब आपको एक्सरसाइज करना है, हियर इज एक्सरसाइज फॉर यू टू कन्वर्ट, सिंपल एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपको चेंज करना है, कमांड और रिक्वेस्ट देना है, लैंड मी योर बुक, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कमांड बना दो, गिव मी योर बुक, ठीक है। तो ये सारे टाइप के सेंटेंसेस आप करोगे। अब आपको एक्सरसाइज फॉर यू ऑल इज देयर, एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, सेंटेंसेस को कन्वर्ट करोगे, आई मे गो होम अर्ली टूडे, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टेटिव सेंटेंसेस बनाना है, मतलब यहाँ पे कुछ सडन फीलिंग है उसको आपको स्टेटमेंट या फैक्ट वाले सेंटेंसेस बनाना है। तो ये सारे टाइप के सेंटेंसेस आप देखोगे, यू हैव टू चेंज स्टेटमेंट्स इंटू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, यू इंजॉय वॉचिंग फिल्म, डू यू इंजॉय वॉचिंग फिल्म, ये टाइप के सेंटेंस हो गए हमारे। आई सॉ द फिल्म लास्ट ईयर, तो हैव आई सीन द फिल्म लास्ट ईयर, तो आपने यहाँ पे इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। यू हैव नेवर बीन टू जापान, हैव यू एवर बीन टू जापान, ये एक्सरसाइज आपको करना है। यू विल गेट टू नो एवरी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, आपने देख लिया। अब आप इसको करो, एक्सरसाइज को करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो दिस वॉज द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस क्या थे और सेंटेंस में क्या क्या देखा हमने, टाइप्स सेंटेंस क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सेंस बनता है उसके टाइप में आपने देखा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव और क्या क्या देखा, ऑप्टेटिव देखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा, ये सारे टाइप के सेंटेंस, पांच टाइप के सेंटेंसेस देखे। सेंटेंसेस होता क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मतलब है, सीधी सी बात है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है हमारे, वो वर्ड्स कहाँ से आते हैं, वो सारे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जैसे आपने पार्ट्स ऑफ इस सीरीज में देखा, नहीं देखा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से देखें।
और सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस पे, तो आप जाकर के देखें।